अरे इसकी क्या जरूरत थी, हम तो वहाँ आ ही रहे थे। जी वो मामी जी का बहुत मन था, बस इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम क्या लोगे, चाय कॉफी या ठंडा? नहीं नहीं आंटी कुछ नहीं, अब मैं चलती हूँ। बेटा एक बात पूछनी थी। जी कहिए। कायरा के बारे में जानना चाहती हूँ, अगर वो तुम्हारी ननन नहीं होती तो क्या ओपिनियन था तुम्हारा? आंटी कायरा मन की बहुत ही साफ है, हमेशा से घर के बाहर रही है, इसलिए शायद आपको थोड़ी अलग लगे, लेकिन उसकी वैल्यूज हमसे बिल्कुल अलग नहीं है। और मुझे लगता है कि आपके बेटे और कायरा दोनों को एक दूसरे से मिलने का वक्त मिलना चाहिए। बिल्कुल, ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। वैसे तो कायरा को समझना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर एक बार उसे कोई समझ जाए ना तो वो दिल से पसंद आती है। अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ, आप लोगों के आने से पहले सारी तैयारियां भी करनी है। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। बैठिए ना। नमस्ते। नमस्ते। आपको आम कैसे लगे? खास आपके लिए देवघर से मंगवाए थे मैंने। मैं नाश्ते का देख लेती हूँ। लो आ गई। बेटा पैर छू। हाय। बैठ 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 बैठ। तो तुम शुरू से अब्रॉड में ही पढ़ी हो? हाँ, अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ाना अफोर्ड कर सकते हैं वो वहीं पढ़ाते हैं ना। वैसे हॉबीज क्या हैं तुम्हारी? वही जो जनरली लड़कियों की होती है, खाना बनाना, कढ़ाई सिलाई बुनाई, गार्डनिंग। एक्चुअली आई हेट ऑल दिस। नफरत है मुझे घर के कामों से। लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ आना चाहिए। वो मेरी बेटी दिल की बहुत साफ है। नाश्ता आ गया? हाँ, नाश्ता आ गया। ये लीजिए, ये लो बेटी। वैसे बेटा अगर तुम दोनों को कुछ आपस में बात करनी हो तो आप बाहर जा सकते हो गार्डन में। देखिए बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपकी बेटी से कुछ पूछना चाहूंगी और मुझे बिल्कुल साफ साफ जवाब चाहिए। हाँ हाँ पूछिए ना। क्या तुम ड्रग्स लेती हो? ये क्या कह रही है अब बहन जी? जरूर कोई गलत फहमी हुई आपको। देखिए हमारे घर के बच्चे इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं। देखिए इस बात को लेके मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती, इसीलिए जो दिल में डाउट है उसे क्लियर करना भी तो जरूरी है। लेकिन बहन जी आपके मन में आखिर ये डाउट आया ही क्यों? हाँ
अब आपके घर से आए हुए आम के बॉक्स में अगर हमें कोई लेटर मिलता है तो डाउट तो पैदा होगा ही ना। आम के बॉक्स में लेटर? हाँ, आम का बॉक्स तो मैंने भिजवाया था, लेकिन आप कौन से लेटर की बात कर रही है? एक मिनट, ये लीजिए। आप लोग कायरा दीवान के साथ अपने बेटे का रिश्ता तय करने जा रहे हैं। कायरा को ड्रग्स लेने की आदत है, तो सोच समझ कर रिश्ता तय कीजिएगा। लेकिन आम का बॉक्स तो मैंने पैक करके पंखुड़ी। तुम गई थी ना वो बॉक्स पहुंचाने, तो फिर ये लेटर तुमने? मामी जी, मैं कोई लेटर क्यों रखूंगी? तो फिर क्या ये लेटर अपने आप चला गया उस बॉक्स में? ये अगर तुमने नहीं किया तो फिर और कौन कर सकता है? मनन जी, उनके अलावा और कौन कर सकता है? मामी जी, मुझे पता है, मनन जी को पता चल गया था कि मुझे उन पर शक हो गया है और वो कायरा को किसी ना किसी प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं। हो सकता है जब आम पैक हो रहे हो तब उन्होंने चुपके से लेटर डाल दिया हो। ये तू क्या कह रही है बेटा? मैं सच कह रही हूँ नाना जी, मैंने कल ही मनन जी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था और मामी जी को भी बताया था। वो कायरा को हार्म करना चाहते, उसकी रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैंने ड्रग्स लिया है। लिया है मैंने ड्रग्स। ये बिल्कुल सच कह रही है। और पंकुड़ी, आप में मनन के अगेंस्ट ना एक भी वर्ड नहीं सुनूंगी, समझी? तेरा दिमाग ठिकाने पर है क्या? हाँ, अगर शादी नहीं करनी है तो ऐसा बता देना। ये सब झूठ कहने की जरूरत क्या है? ये सच है मॉम, और उसका रीजन भी ना आप सब लोग ही हैं। ये तो क्या कह रही हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझ में आएगा मॉम? अगर कभी आपने समझने की कोशिश की होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। डिप्रेस थी मैं, अपसेट थी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था मुझे, तो ले लिया मैंने ड्रग्स। ये शादी फॉर्मेलिटी की सब मुझे नहीं पसंद है। आप लोग क्यों नहीं समझते, किसने मेरी बात ही नहीं मानी? एक मनन ही है जिसने मुझसे ये कहा कि तुम इनसे मिलो ताकि तुम्हारे घर की रेपुटेशन इज्जत खराब नहीं होगी, और एक तुम हो जो ये कह रही हो कि मनन मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहता है। हा? वो सब छोड़ दो बेटा, बस तुम एक बार सच कहो कि तुमने ये ड्रग्स वग्स कुछ लिया नहीं था कभी। मॉम, आपके मानने ना मानने से ना थिंग्स वोंट चेंज। मैंने ड्रग्स लिया है और ये बात कबूल करने से, एक्सेप्ट करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या मतलब? अरे ड्रग्स का इस्तेमाल एक बार करो या बार बार करो, ये गलत चीज है। क्या तुम जानती नहीं कि ये एक हार्मफुल चीज है? मैं जानती हूँ कि ड्रग्स लेना हार्मफुल है, लेकिन इस परिवार के लोग जो एक दूसरे को हार्म करें ना, उससे तो बेटर ही है। आई थिंक हम लोगों को अभी चलना चाहिए। हमारी तरफ से ये रिश्ता नहीं हो सकता, ये आपका फैमिली मैटर है। चलो चलिए। मामी जी, मैं सच कह रही हूँ, ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। हैंडराइटिंग भी तो मिलवा नहीं सकती, टाइप करके रख दिया है। इतनी स्मार्ट हो गई? हाँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं कि कायरा ने ड्रग्स लिया, तो मैं ये लेटर कैसे? देखिए, ये भी यहीं पर है, ये यहां से गए नहीं एग्जीबिशन में। क्या बात है, आप लोग किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं?
ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप तो एग्जीबिशन में गए थे ना, तो इतना जल्दी कैसे वापस आए? एक्चुअली मैं वहां गया ही नहीं, मुझे कायरा की फिक्र हो रही थी। कायरा काफी अपसेट थी, डिप्रेस्ड थी, एंड ट्रस्ट मी भाभी, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये रिश्ता फाइनल हो जाए। झूठ, आप ये नहीं चाहते कि कायरा का रिश्ता फाइनल हो। पंखुड़ी, डू यू इवन नो कि मैं मनन को कितने सालों से जानती हूँ? कॉलेज डे से मनन ने मुझे सपोर्ट किया है, मनन मेरी स्ट्रेंथ है, ओके? और तुम ये कहती हो कि उसकी इंटेंशंस गलत है? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? अगर है तो दो ना फिर, मैं भी देखना चाहती हूँ ना कि जिस मनन को मैं इतने सालों से जानती हूँ, उस मनन को पंखुड़ी ने दो हफ्ते में इतना कुछ जान लिया। हाँ, है मेरे पास प्रूफ। मनन जी ने कहा था कि वो यूके के परमानेंट सिटीजन है, लेकिन इनके पास सिर्फ वर्किंग वीजा है, वो भी एक्सपायर होने वाला है। भाभी, मुझे लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। ये देखिए, मेरे पास परमानेंट रेसिडेंट परमिट। दादाजी आप देखिए, हैप्पी पंखुड़ी, अगर अगली बार झूठ बोलना हो ना तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाना। अरे प्रिपेयर होने की क्या जरूरत होती है भाई? प्रिपेयर वो करता है अपने आप को जिसको झूठ बोलना होता है। अब मुझे पता है कि पंखुड़ी झूठ बोल नहीं रही है, और ये बात अलग है कि इस घर के मेंबर को अपनी बात प्रूव करने की जरूरत होती है। प्लीज, अगर यहाँ पर सबको उस पर इतना ही ट्रस्ट है ना, तो फाइन, आई गिव हर वन मोर चांस। मनन के अगेंस्ट प्रूफ दो। प्रूफ प्लीज। नहीं, पर मैं सच कह रही हूँ। क्यों मान ले हम ये, क्यों मान ले कि तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास प्रूफ है, तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता है। मन्ना नहीं, तुम कायरा की रेपुटेशन खराब करना चाहती हो। लेकिन तुम्हें तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तुम्हें सब कुछ पता था ना, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। उल्टा मन्ना और कायरा को बदनाम करने चली थी, और इसके पास तो वजह भी थी। इसका सच आदि के सामने आ गया था, और आदि इसकी वजह से अपसेट था, इसलिए। हाँ, उस दिन इसने कहा भी था, लेकिन मेरी बेटी ने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं था ना। मामी जी प्लीज। पंखुड़ी, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। मानता हूँ कि इस घर में तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन फिर भी मेरी बेटी कायरा ने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें सपोर्ट किया, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? पंखुड़ी, मैं तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कायरा की जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। और मैं तो ये कहूंगा कि उसके जिंदगी की किसी भी बात में इंटरफेयर तक मत करना, और बेहतर यही होगा कि तुम इसी वक्त इस घर को और हम सभी को छोड़कर यहां से चली जाओ। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। You know what? मुझे ये सब देख कर ना कोई हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता था जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो पंखुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम में जरूर होगी। तुझे पता भी है इसने क्या किया? इसने कायरा की लाइफ, उसका फ्यूचर, उसका रेपुटेशन सब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। पंखुड़ी, इसका नाम पंखुड़ी है, और पंखुड़ी क्या करती है क्या नहीं करती है ये मुझे तुझसे जाने की जरूरत नहीं है। हो गया तेरा, क्या और कुछ सुनना है तुझे? चलेगी अपने घर?
हमारे सवालों के जवाब दिए बिना पंखुड़ी यहां से नहीं जाएगी आदि। मॉम जाने दो ना प्लीज, इसे जो करना था ना उसे कर दिया, अब मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और वैसे भी ये जो कुछ भी कहेगी वो झूठी होगा। कायरा, तुम पंखुड़ी के लिए ऐसा कह रही? आदि, तुम्हें इस पर बहुत ट्रस्ट होगा लेकिन आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि इसके वजह से हमारा रिलेशन खराब हो। इनफैक्ट इससे तो तुमसे भी कितना बड़ा। कायरा प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। सुनो, मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना, एक लंबा आर्ग्यूमेंट, लंबा डिस्कशन होता है। इस बार नहीं होगा। चल पंकज। प्लीज एक बार मेरी पंखुड़ी, मुझे कुछ नहीं सुनना। चल मेरे साथ चल। आदि प्लीज एक बार, आदि पंखुड़ी नहीं, आदि आदि आई एम सॉरी, आदि आई एम रियली सॉरी। कल जब मैं दीवान मैंशन से कुल्लू के लिए निकल रही थी तो मैंने मनन जी को फोन पे बात करते हुए सुना और मुझे उनके इंटेंशंस ठीक नहीं लगे। आदि, आदि आप सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूं। मैंने इस बारे में मामी जी को भी बताया और हमने डिसाइड किया कि हम मनन जी को घर से दूर रखेंगे। और सब कुछ इतना सडनली हो गया, मैं आपको बता नहीं पाई। और आप ऑलरेडी इतने अपसेट थे तो टाइम भी नहीं मिला। आदि आई एम रियली सॉरी, मुझे उसी वक्त आपको सब कुछ बता देना चाहिए। आदि आप समझ रहे हैं ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ यार, मॉम ने कल रात ही मुझे इस बारे में बता दिया था। मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके क्या? आदि, मॉम ने आपको बता दिया था? आपको पहले से पता था? आपने कॉल करना जरूरी नहीं समझा? आपको कोई आइडिया भी है मैं कितनी टेंशन में थी? नहीं, आपको कोई आइडिया नहीं। चलिए भैया, चलो। पर पंखुड़ी, हे, ओए, ओए, अरे रिक्शा रोक, पंखुड़ी, रिक्शा, ओए, रोको भैया। नहीं, चलते रहो। भैया रोको। नहीं। भैया रोकिए यहाँ। What is wrong with you? What's wrong with me? हाँ? आपको लगता है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? आपको ये बात कल रात से पता थी, आप सब जानते थे, आपका गुस्सा शांत हो गया था, लेकिन आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। पंखुड़ी समझना यार, मुझे लगा एक रात की बात है, मैं बता दूंगा ना तुझे। हाँ एक रात की बात है, क्या फर्क पड़ता है, ऑलरेडी अपसेट है, थोड़ी और हो जाएगी। नहीं आपको पता है रूबल भैया की रिसेप्शन से लेके आज तक हर पल मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। हर वक्त एक गिल्ट, एक पेन में थी मैं। आपको हर्ट किया ये सोचकर मैं खुद को हर्ट करती रही, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, आपके लिए तो बात इम्पोर्टेंट ही नहीं। चाहती थी कि आपको बताऊं, आपकी गलतफहमी दूर करूं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आदि आदि हर बार किसी को इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।